शॉर्टर की बनाइए इंटीग्रेशन, नीचे फंक्शन एफ एक्स हो और इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर आता हो एफ डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है। तो बिना देखे बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए, इतने टाइम नहीं है, बिना नमक खाए सीधा लिख देना लॉग एफ एक्स प्लस सी। हेलो मेरे क्लास 12 के प्यारों और समझदार बच्चों, इंटेलिजेंट बच्चों, हैशटैग 2 में मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन, बिल्कुल बेसिक था। उससे पहले मैंने आपको इंटीग्रेशन का असली मतलब समझाया था और जहां जहां बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं ए एक्स प्लस बी का पूरा कॉन्सेप्ट, यानी कि 3 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसमें एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर था और उसके बाद हैशटैग 1 और हैशटैग 2। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एज अ मेंटर ऑफ मैथमेटिक्स कि आप उन लेक्चर्स को पहले कंप्लीट कर लें। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक और यह है हमारा प्यारा सा चैनल FM मैथ्स। तो आज हम हैशटैग 3 में लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भाई, इंटीग्रेशन का पहला मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आज इसका आपको आइडिया लगेगा बिकॉज आप जानते हैं आज तक हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 10x नहीं है, आज तक हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ cot(x) नहीं है, आज तक हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec(x) एज वेल एज cosec(x) नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक वही इंटीग्रेशन पढ़े हैं जो डिफरेंशिएशन के उल्टे वाले फॉर्मूलाज बने थे। तो क्या इनका इंटीग्रेशन हमसे कभी नहीं बन पाएगा? अगर बन भी जाएगा तो क्या हम सिर्फ इसका फॉर्मूला याद करेंगे, कैसे बना क्या हम वो नहीं पढ़ पाएंगे कभी? इसलिए ये सेपरेट लेक्चर मैंने क्या कहा था, सिर्फ ये महज एक सॉल्यूशन नहीं पूरी अंडरस्टैंडिंग है। तो आज ये 4 इंटीग्रेशन मैं आपको विद प्रूफ पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि प्रूफ करने से अंडरस्टैंडिंग बनती है, अंडरस्टैंडिंग से कॉन्सेप्ट बनते हैं और कॉन्सेप्ट से ही कॉम्पिटिशन निकलते हैं। रटने से सॉल्यूशन देखने से कॉन्सेप्ट नहीं बनते और कॉन्सेप्ट नहीं बनेंगे तो कॉम्पिटिशन कैसे निकलेंगे बच्चों? JEE NDA ऐसे नहीं निकलेगा, हलवा नहीं है। ऑब्जर्वेटरी क्वेश्चन आते हैं वहां पर, और जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, आपने चीजों का प्रूफ नहीं किया है, तो काम नहीं होने वाला है। फिर तो ओमू चोमू बच्चे भी निकाल के ले जाएंगे कॉम्पिटिशन, समझ में आ रही है? तो राजू वाला काम आप मत करिए, 3 साल से अटके पड़े पढ़ रहे हैं और हर चीज को रट लेते हैं बहुत तेजी से, मगर फिर भी JEE नहीं निकल रहा है। तो यहां से बच्चों आपको आइडिया मिल जाएगा सब्स्टिट्यूशन। तो ये चारों ही सब्स्टिट्यूशन में जा रहे हैं और चारों ही का इंटीग्रेशन विद प्रूफ में पढ़ाने वाला हूं। उससे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा और उसके बाद आपको एक आइडिया बहुत बेहतरीन और ट्रिक भी बता दूंगा कि अगर कहीं डेरिवेशन आ जाए तो क्या करें। उसके बाद सपोज कर लीजिए, जैसे किसी बच्चे ने याद कर रखा, भैया हमारा लेक्चर देख रहा कर, सर मुझे तो पता है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx होता है माइनस का log cos x प्लस सी, सर इसी को हम लिख लेते हैं log sec x प्लस सी। तो मैं तो ये लिख दूंगा, CBSE बोर्ड ने एक बार सवाल दिया था इसको 2 मार्क्स का के इंटीग्रेट, उसी बच्चे की दिक्कत दूर कर रहा हूं जो हाथ खड़ा करके वहां पे कह रहा है सर मुझे फॉर्मूला याद है फॉर्मूला याद है। तो सुनो, आप सुनो बेटा, आप सुनो, फॉर्मूले वाले सुन लो आप, तो फॉर्मूला लेके आ जाना, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। डू यू थिंक सो कि आपको 2 नंबर मिल जाएंगे? हलवा है बिल्कुल, चम्मच से उठाओगे और खा लोगे। तो 2 नंबर का अगर 3 नंबर का सवाल वो सिर्फ इंटीग्रेट करने को दे रहा है 10x का, यानी कि उसको प्रूफ चाहिए, दिखाओ भैया, नमक खा के फॉर्मूला लिख दोगे तो थोड़ी काम चल जाएगा। तो ईच एंड एवरी थिंग आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टूडेज लेक्चर इन टूडेज लेक्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं 10x से, कौन सा मेथड है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 हमारी सब्स्टिट्यूशन वाली भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से आपको सब्स्टिट्यूशन का आइडिया भी लग जाएगा और ये सारे आपको इंटीग्रेशन मिल जाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx बराबर, मैंने क्या बताया था, जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा log माइनस के साथ cos x प्लस सी। लॉग का डोमेन जो भी होता है वो पॉजिटिव होता है, इतने डिटेल में जाने नहीं चाह रहा हूँ बिकॉज निगेटिव वैल्यू पे लॉग डिफाइन करता नहीं है, छोटी सी बात है, इसलिए मॉड लगा देते हैं। तो ये cos x की पॉजिटिव वैल्यू ही ली है, निगेटिव वैल्यू पे cos x डिफाइन नहीं करता है। और इसी को हम बाद में लिख सकते हैं माइनस का नहीं प्लस का, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी है भाई साहब, m log n वाली प्रॉपर्टी दिखाएंगे करके, ऐसी बात थोड़ी है। तो ये तो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, अब आया कहां से? तो आया कहां से मतलब प्रूफ है भैया, बिना प्रूफ के आज तक कुछ पढ़ाया जो आज पढ़ा देंगे? तो जल्दी से करते हैं फिर। तो क्या हम इंटीग्रेशन ऑफ 10x को साइन x अपॉन कॉस x लिख सकते हैं? अब सब्स्टिट्यूशन का पहला रूल सुन लीजिए,
अगर कोई फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है या कोई प्रोडक्ट है भैया पहला मल्टीप्लाइड बाई दूसरा, अगर एक का डिफरेंशिएशन करके दूसरा बन रहा है तो उसको कुछ भी मान लीजिए, टी मान लीजिए, एक्स मान लीजिए, वाई जेड मान लीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं सर? देखिए क्या कहना चाह रहा हूं, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का, माइनस की कोई लोड नहीं है, माइनस हो जाए उसको उधर भेज देंगे दूसरी साइड। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, तुम कहोगे यार सर साइन एक्स का भी तो कॉस एक्स बन रहा है, कॉस एक्स का तो माइनस का साइन एक्स होता है, साइन का कॉस एक्स बन रहा है तो साइन को मान लेते हैं कुछ, ना ना ना, इसको पता है क्या लिखा मान जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन में है ना वन अपॉन कॉस एक्स, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, साइन एक्स का वन अपॉन कॉस एक्स थोड़ी होता है, हमें तो वन अपॉन कॉस एक्स चाहिए फिर। इसलिए नमक खा के काम मत करो, कॉस एक्स को ही मानना पड़ेगा। कोई बच्चा कहे सर साइन को मान लूं कुछ तो, जैसा आप समझा रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन की पहली पहचान यह है कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके दूसरा फंक्शन बनेगा, सब्स्टिट्यूशन भी यही सिखा दूंगा और टेन एक्स का डेरिवेशन भी यही करा दूंगा। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, लेकिन ये वन अपॉन कॉस एक्स है, तो इसलिए मैं पुट कर रहा हूं, पुट मतलब सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूट कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन ये बन रहा है तो इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट कॉस एक्स इक्वल टू टी। यार अपनी आदत टी मानने की है, अच्छी लगती है चाय, चाय मतलब समझ रहे हो ना, फीलिंग है, तू है नशा तू है तलब, समझ रहे हो, चाय मतलब चाय। तो cos x बराबर t, डिफरेंशिएशन विद, अभी आगे से लिखूंगा नहीं, पहली बार है तो दिखा दे रहा हूं, ठीक है, आगे से चोमू मत बनना। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और t का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो dt ओवर dx। तो यार तुमने किसी फंक्शन को t की फॉर्म में पुट कराया तो ये dx भी तो dt की फॉर्म में चाहिए, वरना इंटीग्रेशन ही नहीं होगा। क्या कहना चाह रहा हूं देखो, तो sin x dx को मल्टीप्लाई में ले आओ, तो sin x dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt, माइनस उधर चला गया और dt बचा। देखो sin x dx को हटा के माइनस का dt लिखा जा सकता है, यहां लिख दें, लिख देते हैं, sin x dx हो चुका है माइनस का dt अपॉन cos x को क्या माना था t, देख लो अभी, क्योंकि इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल नाम की कोई चीज नहीं होती, डिफरेंशिएशन होता कोशेंट रूल लगा देते बिंदास बन जाता, लेकिन यहां पर ना हो पाएगा बच्चों। तो वन अपॉन टी का टी के रिस्पेक्ट में ही तो हो रहा है, तो वन अपॉन टी का भैया ये एंटी डेरिवेटिव वाला हो गया, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है तो वन अपॉन टी का लॉग टी प्लस सी, आगे माइनस लगा तो माइनस लगा दो। टी की वैल्यू क्या थी सर? कॉस एक्स, रटोगे फॉर्मूला? नो सर, हाथ जोड़ गया आज तो, इतना सिंपल करके पढ़ाओगे सर तो फॉर्मूला भी में भी इंटरेस्ट आएगा, पढ़ेंगे आपके साथ, प्रूफ करेंगे एक एक फॉर्मूला, तो करो यार बिंदास करो। समझ में आ रही है पूरी बात? बड़ा सिंपल है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, कॉस एक्स को टी पुट कर दिया, जो भी सब्स्टिट्यूशन करो डिफरेंशिएशन कर दो, आगे से मैं यहां डी एक्स डायरेक्ट लिखूंगा उधर डी टी लिखूंगा, लेकिन ये पहला था तो मैं समझा रहा हूं, cos x का माइनस साइन एक्स और t का dt ओवर dx, तो dx को मैं इधर भेज दूंगा क्योंकि मुझे sin x dx की वैल्यू चाहिए थी जो कि आ गई माइनस का dt, तो sin x dx हो गया माइनस का dt अपॉन cos x, उसको t माना था, तो भैया dx अपॉन वन अपॉन dx अपॉन x होता तो log x लिखते, तो dt अपॉन t है तो log t लिख दिया प्लस c, t की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी क्योंकि इंटीग्रेबल था नहीं, क्योंकि कोशेंट रूल होता नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ रही है, ये एक मेथड है इंटीग्रेशन का। अब मैं जानता हूं, अब यहां से सुनिएगा, हम जानते हैं m log n बराबर होता है log m की, log n की पावर m कर लो या यहां n लिख लो, यहां m कर लो, तो log m की पावर n होता है सभी जानते हैं। तो सर यहां पर n क्या है? हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस वन है मेरे लाल, तो माइनस वन को हम इस तरीके से पावर में पहुंचा देते हैं, log cos x की पावर माइनस वन प्लस सी, पूरे का माइनस वन है, इनवर्स मत लगा देना, कहीं नमक खा जाओ फिर से यहीं पर, नमक नहीं खाने का, नमक समझते हो ना, 12th क्लास के बच्चे समझदार, नमक समझते हो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस एक्स, और वन अपॉन कॉस एक्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेक एक्स कहते हैं बे, तो लॉग एक्स लॉग सेक एक्स प्लस सी भी आ गया और माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस सी भी आ गया। क्या ये इतना मुश्किल है जो क्लास 12th का बच्चा इसको स्किप कर रहा है और सपना देख रहा है यहां पर? अब तो हलवा थोड़ी है, फिर ऐसा थोड़ी हो जाएगा यार, पढ़ना तो पड़ेगा, लेक्चर देखो फरमान सर के, ईच एंड एवरीथिंग विद प्रूफ।
तो भैया नोट कर लो, नोटबुक निकाल लो, बार बार कहने की तो जरूरत है नहीं कि नोटबुक निकाल के बैठो क्लास 12 के बच्चे हो, नोट कर लो, ये समझ में आ रही है? कॉपी पेस्ट करने से तो कहीं से भी मिल जाता आपको, ये एक्सप्लेनेशन है, इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है बच्चों। बाकी आगे बिल्कुल रॉकेट बना देंगे, धुआं बना देंगे, बुलेट ट्रेन बना देंगे, उड़ा देंगे इसको, देखो अब आगे हटा दें, बिल्कुल सही है। ये है गेम, ऐसे होते हैं सवाल। फॉर्मूला तो रट लो, एक आध सवाल कर लोगे, दो कर लोगे, अंडरस्टैंडिंग बनेंगे नहीं। एप्लीकेटिव सवाल देने स्टार्ट कर दिए सीबीएसई ने, घुमा दे रहा है बिल्कुल। तो इसलिए भैया अंडरस्टैंडिंग है बहुत जरूरी, समझ रहे हो? न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी जिस दिन लागू हो गई तो उस दिन बच्चों को पता चल जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तक तो प्रैक्टिकल के नाम पे चीटिंग करते हो, तो इसलिए समझ लो, जमाना समझने वाला आने वाला है, मेरिट वाले जमाने चले गए। इंटीग्रेशन अब है हमारे पास कॉटेक्स डीएक्स, इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख लो, लॉग साइन एक्स प्लस सी, आज के बाद जहां भी आएगा अब अपने पास फॉर्मूला आ गया। अभी तक अपने पास इंटीग्रेशन था साइन एक्स का, कॉज एक्स का, कॉज एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स का माइनस का कॉज एक्स प्लस सी। अपने पास टेन का इंटीग्रेशन था ही नहीं, और अपने पास कॉट का भी नहीं है, सेक का भी नहीं है, कॉजिक का भी नहीं है, भैया कॉजिक का भी नहीं है। सारे आज निकाल देंगे, धुआं बना देंगे, देखो जरा इसको, ठीक है? ठीक है, तो कॉट को क्या लिखोगे? कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। अभी समझाए थे कॉस का साइन होगा माइनस का, लेकिन वो अपॉन में है, हमें अपॉन में चाहिए, तो साइन का कॉज हो जाएगा, सही है। तो सब्स्टिट्यूट या पुट लिख देते हैं, पुट साइन एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉज एक्स, और इधर बनेगा डी टी ओवर डी एक्स, डी एक्स ले आओगे इधर मल्टीप्लाई में, तो कॉज एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन था कॉट एक्स, जिसको हमने कॉज अपॉन साइन पुट किया था, ये बन जाएगा कॉज एक्स डी एक्स को तो डी टी बना दिया है, साइन एक्स को टी बनाया था, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। यार वन अपॉन टी का लॉग टी होता है, वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, कैसी बातें कर रहे हो भाई? तो लॉग और टी को कपट करे थे, अब साइन एक्स करे थे, खुद ही भूल जा रहे हो, तो बच्चों को क्या समझाओगे? तो लॉग साइन एक्स प्लस सी, बताइए यार कितनी जल्दी बन गया। नमक नहीं खाने का, बस नमक नहीं खाने का, चीनी खाने का, गुड़ खाने का, गन्ने का जूस पीने का, बस नमक नहीं खाने का, समझ गए? हो गया, मजा आया इसमें, ये बताइए। ये है यार, उड़ा के रख दोगे सवालों को, उड़ा के रख दोगे। फिर एक अभी इस पे जनरल फॉर्मूला बना के दूंगा बहुत तगड़ा वाला, पहले कॉजिक और कॉट का करा दूं, उसके बाद एक ट्रिक दे के जाऊंगा, एक ट्रिक तगड़ी सी अलग से सप्लीमेंट्री, ये तो एनसीईआरटी में है, बट सॉल्यूशन है ना, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी है। तीसरा सेक लेके चलेंगे, सेक एक्स डी एक्स, इसका फॉर्मूला पहले याद कर लो, तो इसका डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। वरना डेरिवेशन में तुम कहोगे सर आपको कैसे पता चली बात, ये किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है, तो फॉर्मूला पहले से याद करके चलते हैं। लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कुछ बच्चे सवाल पूछने लगे कि सर ये मॉड का साइन क्यों लगाते हैं? तो ब्रैकेट लगा लें ना, मॉड का साइन ही लगेगा लॉग के साथ, क्योंकि मॉड में नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव बन जाता है, जीरो जीरो ही रहता है, क्योंकि अगर मॉड नहीं लगाया और ये डोमेन अगर नेगेटिव आ गया, पढ़े हो कभी लॉगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, समझ रहे हो? या जीरो से बड़ा, लॉग की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर पे डिफाइन करती है, लॉग जीरो पे भी इनफाइनाइट हो जाएगी भैया, दिक्कत है बहुत। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी, जिस दिन लॉग का लेक्चर बनाएंगे ना अलग से, बहुत जल्दी आएगा उस दिन समझाएंगे। तो मॉड लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो लॉग डिफाइन नहीं करेगा, पूरी भैया गड़बड़ हो जाएगी, मैथ उथल पुथल हो जाएगी, आंधी आ जाएंगी, तूफान आ जाएंगे। लच्छी तो फॉर्मूला याद हो गया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अच्छा जी प्रूफ, प्रूफ इंटीग्रेशन सेक एक्स। तो ये जो दिख रहा है आपको, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दो बस, इसी से क्यों मार दो दिखाते हैं। मल्टीप्लाइड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, डिवाइडेड बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस टेन एक्स, ये वाले टेन एक्स नहीं, ये वाले टेन एक्स, नमक खा लो। चलो देखो, अब
जब तुम इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो sec x sec x हो जाएगा sec square x और बनेगा sec x into tan x divided by sec x plus tan x। भाई इसको, अरे सर इतना खतरनाक बना दिया, अच्छा खासा sec में था, अब तो नमक नहीं खा रहे हो भाई? नहीं यार अभी तक तो नहीं खा रहा हूं मैं। sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर sec x tan x होता है, बन गया प्लस प्लस। tan x का क्या होता है? sec square x। अरे बाप रे, इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर वाला बन रहा है। वीडियो चेक कर लेते हैं यार, बन रही है कि नहीं बन रही है। हाँ बन तो रही है। तो sec x plus tan x का जो डिफरेंशिएशन है, sec x का sec x tan x हो जाएगा और tan x का sec square x हो जाएगा। तो सीधे वही log t वाला फंडा इतनी देर से कर रहे हैं, इसको पुट करोगे t, ये का डिफरेंशिएशन और dx के साथ dt आ जाएगा। इसीलिए तो हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है बच्चों, कहीं पड़ी हो तो बता देना। शॉर्ट ट्रिक ये बनाइए, इंटीग्रेशन नीचे फंक्शन एफ एक्स हो और इसका डिफरेंशिएशन करके ऊपर आता हो एफ डैश एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये हो रहा है। तो बिना देखे, बिना सब्स्टिट्यूशन लगाए, इतना टाइम नहीं है, बिना नमक खाए सीधा लिख देना लॉग एफ एक्स प्लस सी। कैसे सर क्यों? अरे दो क्वेश्चन कराए हैं भाई साहब अभी, अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला बन रहा है तो आंसर आता था लॉग, और इसको टी पुट करते थे लॉग टी आता था कि नहीं आता था। तो अगर एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, यानी कि नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला बन रहा है, तो बिना देखे आंसर कर दो लॉग एफ एक्स प्लस सी, 100% आ जाएगा। ब्रैकेट में फॉर्मूला चिपका देना टीचर कहे तो। खुद ढूंढो, तुम्हारा काम है ये, अपन तो पढ़ के आए हैं। सही बात। तो यार मैं ये करूं सब्स्टिट्यूट बताओ या ऐसे कर दूं, समझ लोगे ना? हाँ, तो ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, सही है। तो सीधे सीधे यार हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप अपने पास था यार, जे डबल ई एनडीए करोगे कि नहीं करोगे, ऐसे ही बोर्ड में पड़े रहोगे? तो इट इज ऑफ द फॉर्म, आप फरमान था ना करने वाले, ये इट इज ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव रे, अपॉन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग एफ एक्स प्लस सी। देयरफॉर इट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? log f x, यानी के sec x plus tan x plus c। आ गयो रे, आ गयो फॉर्मूलो, आ गयो। जल्दी बोलो अब, बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे इस पे दो तीन एग्जांपल करा के जाऊंगा जो सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज में है। तो ये सब्स्टिट्यूशन का गेम तुम्हें बिना सब्स्टिट्यूशन पढ़े समझ में आ रहा है? चार फॉर्मूलों का डेरिवेशन मिल रहा है साथ में, फॉर्मूले की ट्रिक मिल रही है साथ में, बताओ और क्या करोगे? घर में घुसो किसी के, इतना सब कुछ मिल रहा है पढ़ने को, चुपचाप पढ़ो, नोटबुक निकालो, टॉप अप मारो, IAS बनो जरा थोड़ा। हाँ मुन्ना भैया को याद मत करो ज्यादा, जेई वेई निकालो, इंजीनियर बनो, नाम देश का रोशन करो बे, एनडीए में जाओ, हटा दें ये। हाँ अब मुझे पूरा भरोसा, ये लड़के फोड़ देंगे, अब किसी का सर नहीं एग्जाम फोड़ देंगे, यूट्यूब पे फोड़ देंगे। यूट्यूब वाले फोड़ते बहुत है। सही, अब तो अपन भी यूट्यूब फैमिली हो गए थोड़े बहुत, वो बात अलग है, फैमिली बहुत छोटी है अभी, न्यूक्लियर भी नहीं है, हो जाएगी बड़ी एक दिन। चलिए ठीक है, बहुत बात हो गई। क्या बचा था? कॉजिक बचा था, कॉजिक एक्स डी एक्स। तो इसका आंसर होता है बच्चों, बता देते हैं पहले, लॉग कॉजिक एक्स माइनस कॉट एक्स। भाई माइनस ही क्यों लिया सर, वहां तो प्लस लिया था। अरे देखो यार, प्रूफ करवाने जा रहे हैं, प्रूफ करवाने जा रहे हैं, बिना प्रूफ के पढ़ाए हैं कुछ। तो कॉजिक को क्या कहता है? रखने की, याद रखने की ट्रिक, इसी से मल्टीप्लाई, इसी से डिवाइड मार दो। क्यों मार दो बताएंगे यार, क्यों लिया यहां प्लस, क्यों नहीं ले पाए? कॉजिक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कॉजिक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो गया। कॉजिक की कॉजिक से कराओगे क्या बनेगा? कॉजिक स्क्वायर एक्स माइनस cosec x into cot x, cosec x into cot x divided by cosec x minus cot x integration dx। cosec x का integration क्या होता है? minus का cosec x into cot x, differentiation है बेटे। cot x का होता है minus का cosec square x, लेकिन इसके आगे minus लगा तो plus हो जाएगा, ये देखो। तो ये भी आपका उसी form का हो गया, किस form का? it is of the form, नीचे f x है, ऊपर f dash एक्स है। कौन सब्स्टिट्यूट करेगा यार, एक घंटा सब्स्टिट्यूशन भी बचा दिया तुम्हारा, बताओ क्या करूं? और
समुद्र में जाके तैरो तुम्हारे लिए, ज़्यादा डेंसिटी वाले पानी में तैरना आसान होता है क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड होता है और मिनरल्स होते हैं जो उसकी डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। साइंस पढ़ोगे क्या? चलो देखो, तो इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो हम जानते हैं इसका आंसर लॉग एफ एक्स होता है यार, सब्स्टिट्यूशन से ही तो आया है ये, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लॉग। देख लो कितने स्टेप और कितना टाइम बचा लिया आपका, बस ये लिख दे, ये चिपका देना बस जहां भी पढ़ाओ। टीचर खुद समझता फिरेगा, भैया हम थोड़ी हैं टीचर, तुम टीचर हो, टीचर चेक करेगा अपने आप। तुम लिख के आना, तुम्हारे लिए बोल रहा हूं ये बात, तुम लिख के आना, टीचर जाने भाई, कोई भी टीचर हो, एग्जामिनर हो, स्कूल का टीचर हो, वो जाने भाई कैसे आया ये, बच्चों को इतना पता है तो टीचर को भी पता होगा इतना तो। बिंदास लिख के आओ, बिंदास काटे तो क्लेम मार दो, क्लेम नहीं काटेगा नहीं भाई। हो गई बात, ये नोट कर लो, चारों फॉर्मूला देख लो भैया, विद प्रूफ पढ़ा दिए हैं, अब बताओ कोई दिक्कत है? ऐसा करके पढ़ के चलोगे तो फोड़ तोड़ सब दोगे, तुम तो बुलडोजर बन जाओगे, समझ रहे हो? बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है भैया, बुलडोजर बन जाओगे, बुलडोजर। ठीक है चलो भाई, आंसर बताओ, ओरली बताना, ओरली। वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, कितना देर लगाओगे? कुछ एग्जांपल, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ऐसी बता रहा हूं मन में जो आ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं देख रहा हूं, मन में जो जो आ रहे हैं वो बता रहा हूं, और ये आपको अगली एक्सरसाइज में भी मिलेंगे, सब्स्टिट्यूशन करो बोले। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स, अगर मैं करता या अगर कोई नॉर्मल बच्चा होता तो वो कैसे करता? मेरे हिसाब से वो ऐसे करता कि सर पुट लॉग एक्स बराबर टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देख लो यार पढ़ा क्या रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर मजा ना आए तो फिर कह देना कि हाँ मैथ्स पे कुछ मेहनत नहीं हुई है यार। ठीक है देखना, फिर ध्यान दिया गया मैथ्स पे, बस सपोर्ट कर दो, बस सपोर्ट चाहिए तुम लोगों का। ठीक हो गई, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स और इसका डी टी ओवर डी एक्स, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया डी टी, वन अपॉन एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, जरा यहां पुट कराओ, वन अपॉन एक्स ये रहा और ये डी एक्स रहा, इसको डी टी लिखेंगे और लॉग एक्स को टी लिखेंगे, लॉग वन अपॉन टी का क्या बनेगा लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू क्या थी लॉग टी मतलब लॉग एक्स, तो लॉग लॉग एक्स प्लस सी आ गया। यार फरमान सर ने इतना ओरली पढ़ा दिया था, नमक खा के करेगा जो बच्चा ये करता होगा, फिर ओरली आंसर निकाल देगा बच्चा अगर ये लेक्चर देख के जाएगा तो। इसको नोट मान लो, अब तुम मेरे कारीगरी भी देख लो, इसको हटा दूं बिल्कुल क्लिक मान लो, सारी किताबों में सारे सॉल्यूशन ऐसे ही है। क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया था अभी? अगर कोई सवाल इस फॉर्म का हुआ, एफ डैश एक्स ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे फंक्शन, सोचो मत, नमक मत खाओ, लॉग एफ एक्स प्लस सी लिख के आ जाओ, टीचर खुद जाने कैसे करा, इंटेलिजेंट इतने बच्चे कहां से हो गए मैथ में जो ये कदर करे पड़े हैं बच्चे। लॉग एक्स एफ एक्स हो गया, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आ रहा है क्या, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन एक्स होता है और ये देखो वन अपॉन एक्स ही है, तो सीधे कुछ सोच रहा ही नहीं था, क्या करना था लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स किसको माना था लॉग एक्स को, तो ये लॉग एक्स आ गया प्लस सी आ गया, आप तुम बताओ क्या करोगे? फोटो लो भैया, ऐसे करके लो फोटो लो समझ में आ रही है बात? सवाल देते हैं एक और, देखो जरा बहुत मजा आएगा तुम्हें, तुम कहोगे यार कुछ पढ़ाया जा रहा है यहां पर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। x प्लस एक्स लॉग एक्स इंटीग्रेशन का सवाल है, एक्सरसाइज जो आपकी सब्स्टिट्यूशन वाली है 7.3 उसी का सवाल है, 7.3 अगले लेक्चर में लेके आऊंगा, कुछ सवाल करा के जा रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग बना के जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन की। सर ये तो बहुत तगड़ा लग रहा है। अरे एक बात याद रखना फरमान सर की, अगर कोई वैल्यू कॉमन मिल रही है इंटीग्रेशन में, अगर कोई वैल्यू इंटीग्रेशन में कॉमन मिल रही है तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने का कॉन्सेप्ट मैं कहता हूं बच्चों से हमेशा ऑफलाइन क्लास में, बचपन से बुढ़ापे तक कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा याद रखो जो वैल्यू जहां कॉमन आए वहां जरूर ले लो। है समाचार वाली फीलिंग आ रही है यार ये तो है। अच्छा एक्स वन प्लस लॉग एक्स, यार log x का डिफरेंशिएशन तो जीरो, सॉरी वन का तो जीरो हो जाएगा, log x का वन अपॉन x हो जाएगा, यानी कि वन प्लस log x पूरे को t मान लिया जाए तो वन का जीरो, log x का वन अपॉन x, यानी कि ये अपना है एफ एक्स और ये अपना है एफ डैश एक्स। क्या पढ़ाया था log fx, तो fx की वैल्यू
वन प्लस लॉग एक्स, आंसर चेक कर लेना, देख लेना क्या ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। बात की बात है, चैलेंज की बात है, चैलेंज की बात है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बुलाइए बताइए, बुलाइए नहीं ठीक है। अब बोलो यार, अब बताओ, ये गेम है यार ये गेम। एक सवाल और करा देता हूं। ई की पावर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये उस पे नहीं है लेकिन है सब्स्टिट्यूशन पे। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कहां पढ़े थे सर? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन तो रहा है। तो टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो, लिख नहीं रहा हूं कर दे रहा हूं, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा। तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इधर मल्टीप्लाई में ले ले तो इधर डी टी हो गया। क्या बचा, क्या बचा? टेन इनवर्स एक्स को टी माना था, फिर क्या हुआ? इसके इंटू में वन मान लें, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी एक्स क्या आया? सिर्फ डी टी, सिर्फ डी टी। ई की पावर टी का तो ई की पावर टी होता है, ई की पावर टी को क्या पुट कराया था, मतलब टी किसको पुट कराया था? टेन इनवर्स एक्स को। तो जो ही आंसर आ गया। अब बताओ अंडरस्टैंडिंग बन रही है कि नहीं बन रही है? अब इस लेक्चर में तो सिर्फ प्रूफ लेके आया था, ऐसे और सवाल करा दूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चों का पता नहीं कहाँ पढ़ा दिया। तो अगली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की लेके आ रहा हूँ भैया कल, मतलब अगले दिन यार, कल आ जाएगी, कल परसों एक आध दिन का गैप देख लेंगे यार, थोड़ा बहुत तो छोड़ दो कम से कम, ठीक है? तो अब बताओ मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोस्तों में शेयर करो भर भर के, बताओ फरमानसर पढ़ा रहे हैं बढ़िया, मैथमेटिक्स पढ़ो यहाँ पे आके बिंदास सीखो, कुछ लोड मत लो, एनडीए निकालो, जेडब्ल्यू निकालो, जब मैथ ली नहीं बच्चे ने और उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल दिया, कोई प्रेशर मत लो, कुछ मत निकालो, पढ़ लो, निकाल सब लोगे अपने आप ही, पढ़ लो यार, पढ़ाई पर ध्यान दे लो, पढ़ते टाइम लर्निंग में कभी कुछ ध्यान मत दो। जब तुम लर्निंग करो भूल जाओ कि मुझे एग्जाम देने के लिए पढ़ रहा हूं मैं, और जब एग्जाम देने के लिए पढ़ो फिर लर्निंग भूल जाओ, जहां रटन मिले रटो, क्योंकि वहां पे हमें सीट निकालनी है, वहां पे हमें एडमिशन क्रैक करना है, वहां पे हमें माँ बाप के लिए आईआईटी में जाना है, माँ बाप के सपनों को सच करना है, अपने सपनों को सच करना है, तो वहां तो रट्टा बट्टा जैसे लेट के पोट के कूद के जैसे कर मिले वैसे करो, लेकिन लर्निंग में कुछ मत करो, लर्निंग में टेंशन मत लो यार, जब पढ़ो तो सब भूल जाओ, जब कंपटीशन के लिए पढ़ो तो सवाल देखो, कोई फॉर्मूला रटना पड़ा है रटो, शॉर्ट ट्रिक बनानी बनाओ, कोई ऑब्जर्वेशन मिल रहा है बनाओ, लेकिन लर्निंग में सिर्फ सीखने पे ध्यान दो, नंबरों पे ध्यान मत दो। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे लूंगा मैं विदा और आपको कहूंगा मैं अलविदा, है ना, और मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।